कनाडा वीजा बिजनेस कैसे अपने ही घर से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू किया जा सकता है, यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए है और इंटरनेट होना चाहिए है। आपको अपनी पहचान से सिर्फ एक ही क्लाइंट ढूंढना है और कोशिश कीजिए कि ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए हो, स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क परमिट के लिए या पीआर के लिए ना हो। जब हम कह रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा तो इसका मतलब है विजिटर वीज़ा, मतलब अगर वो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए जा रहा है तो वो भी आपके लिए एक आइडियल क्लाइंट होगा। अब आपने क्लाइंट से सिर्फ इतना पूछना है कि उनके पास पिछले 2 साल की ITR है या नहीं, और दूसरा क्या वो रेगुलरली इनकम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपके क्लाइंट की रेगुलर इनकम है, चाहे बिजनेस से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो या नौकरी से हो, और उन्होंने अगर सिर्फ एक ITR भी फाइल की हुई है जो कि कम से कम 8 लाख रुपए की ITR हो, तो यह आपके लिए एक आइडियल क्लाइंट होगा। आप इनो की एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके पहले क्लाइंट हैं इसीलिए आप इनसे कोई फीस नहीं लेंगे। आप इनसे ये कहेंगे कि मुझे आपसे कोई फीस नहीं चाहिए है, पर जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आपको जो उचित लगे वो आप पे कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कि हमने हमारी काफ़ी वीडियोस में दिखाया है कि आप किस तरह से कनाडा वीज़ा फॉर्म भर सकते हैं। IRCC पर जाकर अकाउंट क्रिएट करना है और वहां पर से इनो का वीज़ा फॉर्म आपने भरना शुरू कर देना है, जिसमें आप सब सच सच लिखेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी वो आने और जाने की कंफर्म एयर टिकट, ट्रैवल आइटिनरी, होटल वाउचर। इनों के चाहे रिश्तेदार वहाँ रहते हों, फिर भी आप कम से कम 3 रात का होटल इनके लिए ज़रूर बुक करें, होटल वाउचर और कुछ ट्रैवल सर्विसेज जैसे कि एयरपोर्ट ट्रांसफ़र या फिर कुछ टूर्स। ये सब आपने अपलोड करना है, साथ में इनो की पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, कवरिंग लेटर भी हमने हमारी काफ़ी वीडियोस में बनाना सिखाया हुआ है, और इसके अलावा ITR। ये चीज़ें आपने अपलोड करके इनकी फीस पे कर देनी है, जो कि 185 कैनेडियन डॉलर होती है, 85 कैनेडियन डॉलर बायोमेट्रिक के होते हैं। ये फीस आपका क्लाइंट पे करेगा, आप अपनी जेब से पे नहीं करेंगे। ये फीस पे करने के बाद उसी लॉगिन के ऊपर आपके पास डिटेल आएगी कि कब इनो को अपना पासपोर्ट लेकर जाना है बायोमेट्रिक के लिए, और उसके बाद इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इनका वीज़ा अप्रूव हो गया है। ये इंफॉर्मेशन भी ईमेल के ज़रिए और जो आपने लॉगिन क्रिएट किया है उस पर आएगी। तो इस प्रकार से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन ही आपके लिए काफ़ी है, वही आपको फिर रेगुलर क्लाइंट लेकर देती रहेगी। यूजली कॉमनली अगर आप 10,000 या 20,000 एक एप्लीकेशन के चार्ज करते हैं, तो कोशिश करें कि आप महीने में सिर्फ 5 लोगों के लिए ही करें शुरू में। बाकी जितने भी लोग आपके पास आएँ उनको मना करें, जितने बेस्ट क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हाँ करें, ताकि आपका सक्सेस रेट 100% हो। और इनों के वीज़ा जैसे जैसे लगते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से यह काम आप अपने घर से रहते हुए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं।